नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। जलदाय विभाग की तैयारियां शुरू, नल कनेक्शन के लिए बिछा रहे लाइन। विद्यालय में हुआ विदाई समारोह, बच्चों को भेंट की श्रीमान भागवत। यूनियन बैंक के जनरेटर में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बांदा में देवर भाभी ने मिलकर अपहरण की साजिश रची और 5 लाख रुपए की मांग का दबाव बनाया। पुलिस ने साजिश का खुलासा किया और महिला और बच्चों को पंजाब से बरामद किया। साथ ही झूठी साजिश रचने वाले देवर भाभी को भी गिरफ्तार किया। पूरा मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के गांव भाटा का है, जहां पर 15 वर्षीय किशोरी ने पड़ोस के व्यक्ति पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी मिश्रा ने बताया है कि एसओजी टीम सर्विलांस के जरिए से महिला बच्चों को लुधियाना से बरामद किया गया है। अपहरण की साजिश रचने वाले गीता और कमलेश कुशवाहा के साथ पुत्तन कुशवाहा के विरुद्ध थाना जसपुरा में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। एक जसपुरा का परिवार है, थाना जसपुरा जनपद बांदा। वो 4 फरवरी को अपने 4 बच्चों के साथ लुधियाना चली गई थी। उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया, मोबाइल से बदल लिया, और उसके परिवार वालों ने, विशेष करके उसे देवर ने बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। उस महिला के बारे में था कि उसने अपनी पुत्री के छिड़खानी के संबंध में 1 अभियोग पंजीकृत कराया था, 2 अभियुक्तों के खिलाफ, जिसमें 1 अभियुक्त जेल में था, 1 छूटा हुआ था। इन लोगों ने उस मुकदमे में सुलह समझौता करने और यदि 5 लाख रुपए ना दिया गया तो उसके एवज में बलात्कार के फर्जी मुकदमे में फंसाने के संबंध में अभियुक्त गणों से लगातार इनकी वार्ता हो रही थी, और ये महिला खुद वहाँ अपने को छिपा लिया था। हमारी टीम ने इनको बच्चों सहित लुधियाना से बरामद किया है और मुकदमा दर्ज करके इनको महिला, उसके देवर और जेठ, जो लोग पैसा मांगने में सम्मिलित थे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग हैं सर? 3 लोग कुल हैं। जी, नहीं समझ पा रहे क्या करें। रतु प्रसाद पटेल जी। अरावली के सिमली आदर्श प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं का विदाई अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। 8वीं कक्षा का विदाई समारोह सिमली आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में हुआ, जिसमें विद्यालय परिवार ने श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप भेंट की। वर्ष 2020 में जिले के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से उपहार और बधाई दी गई। बीट इंस्पेक्टर और ग्रुप मिनिस्टर हीरापुरम महजबीन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीआरसी सर कौशिक हीरापुर, सिमली ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच के साथ साथ अध्यक्ष दूध मंडीली, सचिव, स्थानीय नेता और गांव के अभिभावक भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सिमली स्कूल एसएमसी समिति विद्यालय के प्राचार्य किरट भाई चौहान के साथ साथ विधायक के स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जगदीश सोलक की रिपोर्ट। દ્વારિકા છોડીને મથુરા જતા હોય, વિદાય એ વિદાય જે છે મિત્રો, અને આપ સર્વે વિદાયની રસની વેળા વિશે આપ સર્વે જાણો છો, એટલે મારે વધુ કંઈ કહેવાનું થતું નથી મિત્રો। દેશ દુનિયાના નામ ઉત્તરાખંડ કે પ્રસિદ્ધ શક્તિ સ્થળ દેવી દરબાર તિરોલા મે શ્રીમદ દેવી ભગવત કથા કા આયોજન 2 અપ્રેલ શનિવાર સે 11 अप्रैल सोमवार तक चलेगा। इस विराट और भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। इस दौरान भजन कीर्तन आदि अनेकों धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें क्षेत्र के हजारों भक्तों के अलावा दिल्ली आदि अनेक क्षेत्रों से भक्तजन भाग लेंगे। साथ ही कार्यक्रम को लेकर कोसी घाटी में जबरदस्त उत्साह, प्रसिद्ध कथावाचक व्यास आचार्य ख्याली राम तिवारी की सुधाबाई वाणी से कथा का वचन होगा। मुख्य यजमान जयपाल सिंह नियाल ने बताया कि मां काली की मंदिर में आयोजित उपरोक्त कार्यक्रमों को लेकर जनमानस में उत्साह की लहर है। उन्होंने बताया, प्रसिद्ध कथा व्यास आचार्य ख्याली राम तिवारी जी की सुधामय वाणी की धार से श्रीमद् देवी भागवत की ज्ञान गंगा बहेगी। नमस्कार, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और रमाकांत जी आपको, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत काम करते हैं जी। उत्तराखंड की बहुत सारे जो विलुप्त मंदिर मठ मंदिर थे उनका आपने प्रचार किया है। मैं हैदराबाद में रहते हुए भी आपको नित्य आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको जानता हूँ। तो आज मैं हल्द्वानी में आया था। उत्तराखंड में
मैं पूर्ण रूप से हैदराबाद जो दक्षिण भारत है वहाँ को अब पूर्ण रूप से वहाँ से पलायन कर चुका हूँ जी। पलायन करके अपने उत्तराखंड में आ चुका हूँ। सुना होगा आपने कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा, पलायन हो रहा। मैंने हैदराबाद से पलायन करा अपने उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड के जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको मैं अब रोकने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से, क्योंकि मैं अपना एक जीवन सेट करूँगा जिससे उनको बताऊँगा कि यहाँ पर भी रह के बहुत कुछ किया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं अपने जीवन का जो पहला काम अभी करने जा रहा हूँ जी जी, मैं हरिद्वार में था कल 2-3 दिन लगातार, वहाँ से फिर वहाँ पर जगतगुरु शंकराचार्य जी से और संतों से मिलके और गंगा जी में मैं स्नान करके अपने जो ये बाल हैं जो अहंकार रूप हैं इनको त्याग कर और वहाँ पर उतार के उसके बाद अब 9 दिन के अनुष्ठान के लिए 2 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक अपने पितृभूमि मातृभूमि अल्मोड़ा के पास तिलोरा नामक गांव में जो भगवती का मंदिर है पौराणिक जी जी, उस मंदिर में मैं 9 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ। देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन कर रहा हूँ। विद्वान लोग आ रहे हैं उसमें कथा सुनाने के लिए, मैं एक जजमान के तौर से कथा भी सुनूंगा और 9 दिन का अनुष्ठान में निराहार रह के भगवती को मना के फिर अपने उत्तराखंड की सेवा में उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इसी बीच में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, रमाकांत पंत की रिपोर्ट। खबरों का दौर यूं ही लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो ये कहाँ गया? रिकी दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। जौनपुर के मछली शहर बाजार के चुंगी चौराहे पर यूनियन बैंक के बाहर रखे जनरेटर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लग गई और धीरे धीरे आग बढ़ती गई। आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने बैंक के गार्ड का साथ दिया और गार्ड के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से भी बच गया। जौनपुर से संदीप गुप्ता के। बालू होता है, बालू होता है। पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के खाली पदों को राज्य सरकार ने पदोन्नत करके भरने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के चलते राजस्थान की पंचायत समितियों में 137 कार्यरत अतिरिक्त विकास अधिकारी राज्य सरकार के नियमानुसार विकास अधिकारी का पद संभालेंगे, जिनमें ढोलपुर के राजकुमार वर्मा व मोहन लाल शर्मा भी शामिल है। उक्त प्रक्रिया के बाद आज ढोलपुर की जिला परिषद में नव पदोन्नत RDS मोहन लाल शर्मा व राजकुमार वर्मा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान व सहायक विकास अधिकारियों ने सम्मान किया। इस दौरान समस्त सहायक विकास अधिकारी व जिला परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।